नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं उर्दू और हिंदी की मशहूर लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा द्वारा लिखी हुई कहानी खाविंदा। 40 की सितारा फूल गुम्मों से सजी अपनी उम्र दराज सहेलियों से घिरी बैठी थी। बरामदे के दूसरे कोने में थोड़ी सी औरतें जो अब आखिरी पड़ाव पर टिकी हुई थीं, उनकी धीमी गूंजती बेलौस आवाजों में बंदरे और बन्ने की तरंगें ले पा रही थीं। वहीं जवान हो चुकी बेटियों की माएं एक हैरत अंगेज टोहलिए कानाफूसी कर रही थीं। यहाँ तो कवारियों के उठने में लाले लगे हैं और ये है कि शादी पर शादी, एक छोड़ा नहीं कि दूसरा हाथ बांधे खड़ा है। छोड़ो भाभी जान, तुम भी अगर ऐसे ही लौंडे ढूंढने हैं तो दर्जनों मिलेंगे, कोई दोहला है कोई तेहला। वे हर्फ हर्फ किसी बनावटी तसल्ली से चुन देना चाहती, लेकिन फिर भी सच यही था कि उन औरतों को अंदर ही अंदर कोई खलिश जैसी चीज जरूर चाटती रही थी। फिर कहीं किसी ने फुसफुसाते हुए कहा था, है खाबिंदा। फिर देर तक उनके बीच धीमी तंजिया हंसी कुलबुलाती रही थी। असल में तीसरी तलाक के बाद वह इसी नाम से मोहल्ले में मशहूर हो गई थी। पड़ोस ने पीठ पीछे उसका जिक्र इसी नाम से किया करती थी। बहरहाल ये सितारा का चौथा निकाह था। सितारा बेबा माँ की 6 लड़कों पर अकेली लड़की थी। घर में काफी लाड़ प्यार में पली थी, बस मोहल्ले भर में चमक्को बनी फिरा करती। कभी इस घर कभी उस घर, कभी ये कूचा कभी वो बाग। 15 साल की होते होते उसे पड़ोस के करीम टेम्पो वाले से इश्क हो आया था, वही करीम जिसके संग पतंग उड़ाते बीता था उसका बचपन। तब साथ की सहेलियां अक्सर उसे छेड़ बैठती, सितारा करीम संग पतंग उड़ाने का खेल खेलते तूने नैन लड़ाने का खेल कब चालू कर दिया। और उसका सांवला चेहरा थोड़ी हया और खुशी लिए कलछव पड़ जाता, होठों पे सुबह की धूप खिल जाती। मगर करीम की कहानी ज्यादा नहीं चल पाई थी। सितारा के भाइयों ने करीम को किनारे कर पड़ोसी गांव के एक खेतहर से ब्याह दिया था उसे। उसका खाना पीना छूटा सो अलग। शुरुआती महीनों में तो वह दोहरी तहरी जिंदगी जीती रही, मगर इस दोहरी तहरी जिंदगी के दरमियान जाने कब कफस चीर कर हाथों के जुगनू आलोप हो गए थे और वह बेतरह बची रह गई थी। लेकिन खुदाई ने नसीबों के आसमान पर उसके लिए लिखा ही कुछ अलहदा था। 2 साल के तवील इंतजार के बाद भी उसकी गोद में कोई फूल न खिला और उसे कुनबे में ही अफला कहकर बेदखल कर दिया गया था। हर तरफ की कोचन तो मिली ही उसे, रफ्ता रफ्ता पूरे कुनबे में उसके लिए एक मुखालफत हायल हो गई। जेठानियां कोंचती देवर को, देवर जी आखिर बंजर जमीन पर कब तक हल चलाते रहोगे। वह कट कर रह जाती, कभी उसे छिड़काती, देवरानी जी काम धाम में जरा फुर्ती दिखाया करो, तुम तो ऐसे रूगुस रूगुस करती हो जैसे अभी बच्चा जाई हो। एक रोज गर्मी की ढलती सांझ में वह ओसारे में बैठी अपने खाविंदा के संग लूडो खेल रही थी कि उधर से गुजर रही जेठानी ने छेड़ा, देवर जी अब ये बचपना छोड़ो, अपनी नस्ल बढ़ाने की कोई तरकीब करो। जब गुड़िया गुड्डा ही खेलना था तो क्या जरूरत थी जोइया लाने की, कंकड़ पत्थर गले बांध लाने की। वह तमतमा गई, अच्छी खासी चाल चलने जा रही थी, मियाँ को पटखनी देने ही वाली थी कि शह पलट गई। ये क्या तरीका है किसी की खुशी में दखलंदाजी का। झप से हाथ मारा, गोटियों पासा सब तितर बितर लपक के बाहर निकली। निकलते निकलते ठक से ड्योड़ी की बल्ली से सिर टकराया, हल्की आह से सिर पर हथेली जमा ली और जेठानी को ललकारा, भाभी जान तुम तो बड़ी जरखेज हो, 6-6 बच्चे जने हैं, क्यों नहीं देवर को भी अपने पास सुला लेती, देवर की नस्ल भी कल्ले फोड़ने लगेगी। इतना कहना क्या था कि मियां साहब ने भाभी का फेवर लेते हुए दौड़ाकर डंडा उठाया। भाभी भी झपटी, मगर उससे भी पहले सितारा ने कोठरी में गड़ाप से घुसकर भीतर से कुंडी लगा ली। कोठरी के दरवाजे पर डंडे पीटे जाते रहे, गालियां बकी जाती रहीं। तब थक कर वह मैदान छोड़ आई थी। अंदर ही अंदर उसने नकाब समेटा और पीछे गली में खुलने वाली खिड़की से गली में उतर गई। गली में ही बुरका पहना और चली आई। घर आते ही वह फट पड़ी थी, तुम लोगों ने आखिर कर ली अपनी मर्जी की, करीम क्या बुरा था उस मुंह से। और खूब रोई,
आगे थोड़े इंतजार के बाद उसके खाविंद कासिम ने उसे तलाक देकर दूसरा निकाह पढ़वा लिया था, मगर इस बार भी उसके यहाँ कोई चिराग नहीं जन्मा था और तब वह अपना सा मुंह लिए इसे रिजाए इलाही कहकर तसल्ली कर गया था। ये और बात है कि ऐसे सारे इल्जामात हमारी रिवायतों के मुताबिक औरत के सिर ही टांग दिए जाते हैं, शायद इसलिए कि इन्हीं रिवायतों के मुताबिक औरत बदली जा सकती है, मगर ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जब ऐसी नौबत मर्द से पेश आई हो तो औरत ने मर्द बदला हो। हालांकि औरत के मन में भी अपने तसव्वुरात के फूल खिलते हैं, मगर वह अपनी हर चाहत दबाकर अपने ख्वाबों से चुक जाना ही मुनासिब समझती है। सितारा का मुखालिफ मन यही दोगलापन मानने को तैयार न होता। बहरहाल भाइयों ने अगले साल फिर उसकी कमान नजदीक के गांव के एक तांगेवान रजाक के हाथों थमा दी और वह फिर से सियाह दायरे में खिसटती फिसलती कोई और ड्योड़ी आबाद करने चली गई थी, मगर कहां, उसकी हमबार राहों पर फिर से संग उतर आए थे। इस बात से वह नावाकिफ थी कि वह काली धूप की तरफ बढ़ आई है। यूं तो सब मुनासिब सा ही गुजरने वाला था, लेकिन तब उसे उस रोज झटका लगा था जब रजाक ने बड़ी खोजिया नजरों से उसे घूरते हुए उसकी जानिब एक आतिशी टुकड़ा उछाला था। एक बात बताओ सितारा, शादी से पहले तुमने कहीं इश्क तो किया ही होगा? वह इस सवाल के लिए कतई तैयार न थी, चेहरा एकदम से फक हो गया। संभलते हुए बोली, अब ऐसी क्या बात है, ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बनने की बीवी के पहले इश्क का राज आज शादी के 4 साल बाद खुला है। देखो ये सब तुम्हें पहले सोचना था, अब जब कह रही हूँ नहीं तो नहीं समझो, कसम खाओगी? वह ढिठाई से बोला। कसम? लगा वह गिर कर चकना चूर हो जाएगी। वह खुद को संभालते हुए पलंग के एक कोने पर बैठ गई। इन सारी बातों का भला क्या फायदा, मुझे तो बस अब तुम्ही से इश्क है। वह लहजे में थोड़ी शोखी लाती बोली कि बात बन जाए। लेकिन रजाक का तो रोम रोम जुनूनी हो आया था, चेहरे का वाहियातपन और गहराता गया था। दौड़ का कुरान उठा लाया और लपक कर उसके सिर पर रख दिया। मुझे बहलाओ मत, अब बोलो। वह छिटक कर दूर खड़ी हुई जैसे शोले से छू गई हो। गुस्से के मारे जिस्म थर थर कांप रहा था, चेहरा तमतमा उठा था, चीखी थी, नहीं खानी कसम, कभी नहीं। वह बौखला इसी कह गई, मगर दूसरे ही पल सन रह गई। सितारा तुम्हें तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। सितारा का मुंह खुलाकर खुला रह गया, मगर जब होश लौटे गला फाड़ फाड़ कर रोई। और एक और दिया बुझा, धूप की चाल चलती अपनी पनाह में सिमट आई थी। वह कई दफा हंसी थी खुदाई निजाम पर, क्या चीज बनाई है खुदा ने, औरत है या तमाशा। 3 माह की बच्ची के साथ वह घर लौटी तो घर में भी तमाशा बन गई। बस थोड़े से दिनों तक जरूर भाभियों ने उसकी कहानी मजे ले लेकर सुनी थी, फिर कुछ नहीं, मगर उसे उन कांटों पर फिर भी सोना था। अलबत्ता वह अपनी अफसुरदा तबीयत को जिंदगी के किसी न किसी कोने से बांध जरूर लेती थी। उधर वह इद्दत के दिन गुजारती रही और दूसरी तरफ उसके तीसरे सहरे के लिए भागम भाग मच गई। घर से बाहर कदम न रखने वाली अम्मा खूब पड़ोस में आने जाने लगी थी, सभी औरतों से खूब मिलती जुलती और बातों बातों में दबी जुबान में इशारतन कोई कायदे का लड़का देखने की बात भी उनके कानों में डाल आती। हालांकि वही औरतें बात को हाथ नचाती हुई बिचका जाती, अब उसे लड़का मिलेगा, कोई दोहला तेहला मिल जाए यही शुक्र है। हुआ भी यही, भाइयों ने जोर जबरदस्ती करके तिबारा उसके गले 2 बच्चों के बाप जमील कबाड़ी को मर दिया था। बीबी उसकी कब की गुजर गई थी, साल भर की बच्ची लिए वह तकदीर पर आंसू बहाती तीसरे खाविंदा के यहाँ उतरी। हालांकि ससुराल के लोगों ने बच्ची ले जाने से साफ इनकार कर दिया था, खुद दूल्हे ने भी, मगर सितारा की ममता ये कुर्बानी कबूल नहीं कर पाई थी। तब बड़ी खुशामद दरामद करके माँ ने बच्ची ले जाने के लिए उसके शौहर को राजी कर लिया था। हालांकि वहां पहुंचकर बच्ची की वो गत बनी थी कि मत पूछो। विदाई से लेकर अगली सुबह तक उसे बच्ची की सूरत तक न दिखाई गई। जब वह सवेरे बेजार होकर रो पड़ी तो कोई बच्ची लेके उसकी गोद में डाल गया। बच्ची भूख से हकर हकर कर रही थी, उसकी आवाज पहचानते ही उससे चिपट गई। बहरहाल साल पूरा हुआ, मगर साल भर पुराने रिश्तों में अभी भी कोई पायदारी आ नहीं पाई थी और इन्हीं तलातम के बीच झूलता नसीब और खराश उसे ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख सका था।
जमील अपने बच्चों और उसकी बच्ची को लेकर अक्सर असबियत बरतता। एक दिन उसकी बिटिया ने बाप से जिद की थी, अब्बा मुझे भी भाई जैसे जूते दिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जूते ला दूंगा, जोड़े सिलवा दूंगा, गहने जड़वाऊंगा और एक यार तलाश दूंगा। अरे अरे क्या बक रहे हो, कम अज कम ये होश तो रखा करो कि बात किससे कर रहे हो, बच्ची से ऐसी बात। तो क्या कहूं, शहजादी साहिबा आपके हुक्म की तामील होगी, जैसे इसका बाप या खजाना गड़ गया हो। देखो उसके बाप तक मत जाना। क्यों, उसके बाप के लिए बड़ी मोहब्बत उमड़ रही है। फिर हाथापाई की नौबत भी आ गई। आखिर रोज की झकझक से तंग आकर एक रोज सितारा ने बड़ी खामोशी से उससे कहा था, जमील मियां तुम चाहो या ना चाहो लेकिन मैं तुम्हें तलाक देकर जा रही हूँ। तो वह बिफर पड़ा था, उसकी अना हौलने लगी थी। छूटते ही उसने पता नहीं क्या क्या कह डाला था, कसबिन बेसवा दाश्ता कहीं की, तू तलाक देगी, तू तलाक देगी, बोल कितने तलाक दिए हैं तूने, तू तो छुटकारा तब पाए जब मैं तीन तलाक बोलूं, और मैं बोलूंगा नहीं, तुझे अपने बच्चों की लौंडाई करने लाया हूँ ऐश नहीं। तो ठीक है, मैं इस लौंडीगिरी से इस्तीफा लगाती हूँ, तुम कोई और लौंडी तलाश लेना। अलगनी से खींचकर बुरका ओढ़ा, हाथ भिगोकर लड़की का मुंह पोंछा, गुड मूड पड़ी पलंग पर छुटकी को उठा कंधे लगाया, चल बिटिया कबाड़ी कबाड़ी ही रहेगा। हाँ जा जा कोई गवर्नर ढूंढ लेना, अपने एक बाप की हुई तो लौट के ना आना। सितारा ने तैश में आकर एक भरपूर लात जमील की कबाड़ से लदी साइकिल में दे मारी। जमील ने चीते की फुर्ती दिखाई, झपटा, मगर तब तक वह उछल कर बाहर निकल चुकी थी, दरवाजे की कुंडी तड़ से चढ़ा दी थी। भीतर से जमील दरवाजे पर मुक्के बरसा बरसा के गालियों की बौछार किए जा रहा था। छोटी बिटिया अम्मा की उंगली पकड़कर खिलखिलाई थी, अम्मा अब्बा को बंद कर दिया, मजा आ गया। सितारा ने बच्ची को झिड़का था, चुप, ये खूब रही बीबी, हम तुम्हें ससुराल पहुंचा पहुंचा के आते हैं और तुम हो के फिर हमारे पीछे पीछे चली आती हो, क्या हम तुम्हारे लिए उम्र भर मर्द ही ढूंढा करेंगे। बड़ी भाभी बिफर रही थीं, भाइयों ने थोड़ी दिलदही करनी चाही मगर बीवियों के तेवर देख चुप रहे। अम्मा ने समझाया था, चली जा वापस, तो वह चिढ़कर बोली थी, क्यों चली जाऊं, उसने हमारी बेहुरमती की है, उसकी निगाह में मैं फाइशा हूँ, दाश्ता हूँ, मैं उसे तलाक देकर आई हूँ अम्मा। अम्मा ने फिर कोशिश की थी, बिटिया ससुराल की रोटी खाना लोहे के चने चबाने के बराबर है, गुजर करने के लिए मर्दों की लटी सुननी ही पड़ती है, वह जो कहे चार बात सिर झुकाकर सुन लिया कर, मखलूक ने हमें ऐसी ही जमीन बख्शी है, बकिया तलाक तो हुआ ही नहीं क्योंकि जमील ने तो तलाक दिया नहीं है। सितारा और तब्बा पड़ी, काहे तलाक नहीं हुआ अम्मा, क्या सब कुछ उसी के चाहने से होगा, वह चाहे तो बांध कर रखे और चाहे तो गार में ढकेल दे, मैं भी इंसान हूँ अम्मा, सिर्फ औरत नहीं, ये सारी करतूत मर्दों की है अम्मा, कि आज तमाम नाजायज रिवायतें हम पे थोप दी हैं, सारे हुकूक मर्दों के हिस्से के और सारे फराइज औरत के हिस्से के, औरत का फर्ज है कि मर्द की दुलत्ती चुपचाप सहती रहे वरना गुनहगार, मर्द को हक मिला है कि वह मन भर औरत को रौंदे, मैं लौंडी नहीं हूँ उसकी जो चंद महर के टुकड़ों पर खरीद ले गया था, औरत की पढ़ाई मुझे मत पढ़ा अम्मा, खुदा ने हमारे साथ दुरुखा बर्ताव किया है, मर्द की तकदीर उसकी पेशानी पे लिखी है वो औरत की उसके जिस्मों पर, बता अम्मा खुदा ने अपनी मखलूक में हमें कौन सा दर्जा दिया है, ना हमारी गिनती मवेशियों में है ना इंसानों में, बोलो किस नाम से पहचानूं इस जिस्म को। और दूसरे ही पल चटाक की आवाज से पांचों उंगलियां अम्मा की छप गई थी उसके गाल पर, बेहया बेगैरत तुझे शर्म छू तक नहीं गई। भाभियां उसकी तकरीर से हक्का बक्का थीं सो अलग, मगर सितारा भी आज चीखने पर ही तुली थी, सारा गुबार निकाल देने को बेचैन, क्यों शर्म आए अम्मा, शर्म सिर्फ दो हस्तियों को आनी चाहिए, खुदा को और मर्दों को, जिसकी वजह से आज हम गैरत अंगेज जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मर्द कैसा भी बर्ताव करे खताबार नहीं, औरत जुम्बिश भी खाए तो उसके वजूद पे सवाल दाग दिए जाते हैं, ज्यादा नहीं मगर थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है जिंदगी की, गरीब ही तो हूँ, कहीं झाड़ू बर्तन करके खाने भर का ले ही आऊंगी। बहरहाल बात कहा सुनी में आई गई हो गई थी, भाभियां मुंह बिचकाती इधर उधर टल गईं।
अम्मा थक कर हार गईं। भाई पहले ही बीबियों के तेवर देख खिसक लिए थे। वह देर तक बच्ची को थपथपाती बैठी रही थी। साल भर बीतने को हुआ था। इस बीच जमील ने कई बार संदेशा भेजा था, मगर वह जैसे किल्ला गाड़ के ही बैठी थी। सबको दो टूक वापस कर दिया। अम्मा अब समझाने वाली गलती नहीं करना चाहती थी। हाँ, भाभियां किसी लाग लपेट में बोल जाती, और कितने सैंपल इकट्ठा करोगी बीबी, या फिर बीबी की तो जायका बदलने की आदत है। वह भीतर ही भीतर सुलगने लगती। एक दिन सुनने में आया कि जमील ने कहीं और निकाह पढ़वा लिया है, फिर खुद एक रोज आकर उसे तलाक भी दे गया। उस दिन उसने बड़ी बेजारी महसूस की थी, लेकिन मालूम उसे भी नहीं कि कहां कुछ टूट गया था। जिंदगी का एक और कसैलापन वह चुपचाप पी गई थी। 40 साल की उम्र में वह 3 शौहरों की बीबियां और 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे की लताफत देखते ही बनती थी। उसे देख कोई कह नहीं सकता था कि वह जिंदगी की ऐसी गहरी तजुर्बेकार बन चुकी है। जिस राह पर चलते चलते लोग गुम हो रहते हैं, वहां वह दोनों हिम्मत से पहाड़ तोड़ने बैठी थी। उसने 2-4 घरों का धंधा संभाल लिया था। इत्तेफाकन करीम की बीबी ने भी उसे काम पर लगा लिया था, और जाने किन जज्बात के तहत वह इनकार न कर पाई थी। लेकिन उधर का रुख करते हुए उसका कलेजा हलक को आने लगता। जाने कहां से करीम पा गया इतनी दौलत कि साहब सा बना बैठा था। लेकिन उसकी किस्मत में ना थी उसकी ऐशो इशरत, उसे भोगने तो कहीं बाहर की आई थी। कहते हैं वह नंबर 2 का धंधा करके बन गया है, तो क्या हुआ, जैसे भी बना बन तो गया, वरना ईमानदारों परहेजगारों की इस दौर में क्या पूछ। वही गिनी रोटी नपा शोरबा, अगर उसका कुनवा चाहता तो आज खुद वह करीम के यहाँ ऐश फरमा होती। करीम का था ही कौन, एक बड़ी बहन थी, वह भी अपने घर की थी, बाकी बस। मगर भाइयों को तो यही जिद सवार थी कि उसने मोहब्बत की तो क्यों की। बेटी ने एक रोज पूछा था, अम्मा रोज कहाँ जाती हो, तो उसकी आंखों में तारे टूट आए थे। अपनी जिंदगी का मर्सिया पढ़ने जाती हूँ बिटिया। बच्ची चुप सी उसे देखती रही थी, और वह चली आई थी। तब से 1.5 घंटे की छुट्टी थी। ऐसे ही दिन आ जा रहे थे। करीम के घर जाते जाते अब भी उसका चेहरा गुलरू होने लगता था। कभी कभी करीम उसका हालचाल पूछ लेता तो घर वापस आने से रात तक वही उसके ही हर्फ दोहराती रहती। अपनी घरदारी में वह अपने काले दिन रात बिसरा चुकी थी। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, दोनों बेटियों की दुलारी बाहें, उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाने का सुनहरा ख्वाब, बाकी जो बेटप था उसे करीम को देखकर बिसरा देती। मन फूलों सा हल्का हल्का हो जाता। अब जीने के लिए और क्या चाहिए। एक सुबह वह ताजे फूलों के गुलदस्ते सी महकती उठी और गुनगुनाती हुई सारे काम निपटाए, फिर बच्ची को स्कूल भेजा और काम पर निकल ली। आज उसका एक प्याला और चाय पीने का जी हो रहा था। सोचा पहले करीम के यहाँ काम निपटा लेती हूँ, तो अभी चाय का वक्त है, एक प्याली चाय तो मिलेगी ही। बाकी तो सब टुच्ची तबीयत के हैं, नाप जोक कर ही चाय रखते हैं, कभी ये भी नहीं सोचते कि एक महरी भी है, उसका भी जी होता होगा कभी कुछ खाने पीने को। पहुंची दरवाजे पर दस्तक दे वह चुपचाप अंदर की चाप तौलने लगी। बर्तनों की खटपट, पानी चलने की आवाज या करीम की बीवी की आए बाएं साए घर में उमंग रही थी। बच्चा रो रहा था। उसने थाप दोबारा दी तो करीम का बड़ा लड़का टोह लेते हुए बोला, अब्बा बाहर कोई आया है लगता है, दरवाजा खोल दो। एक ससराती सी आवाज आई, खाबिंदा होंगी, और कौन होगा इस वक्त। वह सकते में आ गई। क्या करीम भी ऐसा सोचता है, लगा गिर जाएगी, मन खट्टा हो गया। वह दरवाजा खुलने का इंतजार किए बिना ही दूसरी गली में मुड़ गई। कुछ दूर पहुंचने पर दरवाजा खुलने की आवाज आई थी, मगर वह बगैर पलटे सीधी घर वापस आ गई थी। अम्मा हैरत से देखती रह गई थी, वह उल्टे पांव लौट क्यों आई। वह हारी सी अम्मा के पास धीमे से बैठ गई थी। सितारा खैरियत, अम्मा इस बार कोई निस्बत आए तो इनकार मत करना। अम्मा की आंखें हैरत से तन गई थीं। और वो इनकारी तेरी, अब इनकारी का कोई मतलब नहीं रह गया अम्मा, आज हार गई हूँ, कहते कहते उसकी आंखें छलक आई थीं। भीतर हूक सी उठी थी, आह ऐसा दर्द, ऐसी टीस, ये तकलीफ। ऐसा दर्द तो उन 3 शौहरों का घर छोड़ते हुए ना हुआ था। इतनी तलखी तो उन सबकी जहर बुझी जुबानों और गालियों में नहीं महसूस हुई थी।
सच है, दूसरे पत्थर भी मारें तो वो दर्द नहीं होता, मगर अपने फूलों से भी मारें तो रूह तक घायल हो जाती है। आज कैसे कैसे लहूलुहान हुआ है उसकी रूह का परिंदा, अब ये भला क्या परवाज करेगा? कभी भी नहीं। अम्मा बड़े दुलार से उसके सिर पर अपनी खुरदरी हथेली फेरने लगी थी और उन सारे रिश्तों पर मन ही मन निगाह फेरने लगी थी जिसे सितारा की इनकारी पर उन्होंने वापस लौटा दिया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हुस्न तबस्सुम नेहा द्वारा लिखी हुई कहानी खाविंदा। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।